If this video gets 150 likes, we gonna make him cook something for us. सब कुछ ले ले तू. मम्मी, अब मम्मी क्या? दो मिनट के बाद अभी जाते हैं. पानी पिला दे इन दुकान पे. बंद कर. पिला दे. If this video gets 300 likes, so another prank will be done on him. तो लाडलो आज बहुत तगड़ा सीन करने वाले हैं. तो अपने घर पे आने वाला अपना दांगी भाई एंड उसको मैंने कहा था कि भाई वीडियो शूट करेंगे उसके बाद एक छोटा सा प्रैंक करेंगे. बट आज प्रैंक उसी के ऊपर होने वाला है. तो वीडियो को अंत तक देखना प्रैंक के देखने के लिए. तो उसके ना मैं मतलब उसको कहने वाला हूँ कि भाई मैं कुछ बनाने वाला हूँ एंड उसकी वीडियो है. बट इन दी एंड क्या करेंगे, जो पीनट बटर सैंडविच है मैं एक बना के रखता हूँ जिसके अंदर इतनी मिर्ची वगैरह रखेंगे एंड उसको वो खिला देंगे. तो वो बनाते हैं एंड उसके बाद वो आ रहा है तो वो मेन वीडियो शूट करनी है. तो बहुत मजा आएगा. प्रैंक बिल्कुल लास्ट में होगा भाई. बहुत एपिक होने वाला गारंटी है चीज़ तो मेरी. तो चलो फटाफट से वो सैंडविच बना के छुपा देता हूँ. तो क्या चल रहा है ऑफिस आज रापची गुड़ के साथ मेरे भाई. आज की वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट. बट क्योंकि हमारा चैनल एपिक है, हमारी वीडियोस एपिक है, इस वजह से ब्रेकफास्ट भी होने वाला है एपिक वे के अंदर. अब उसके अंदर ट्विस्ट क्या होने वाला है, तो सबसे पहला हम दो ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं. सबसे पहला ब्रेकफास्ट जो होने वाला है वो होने वाला है 1 मिनट चैलेंज. कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर ऐसा ब्रेकफास्ट बनाया जो कि हेल्थी भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, फीलिंग भी होना चाहिए एंड अगेन से सिर्फ 1 मिनट में बनना चाहिए. दूसरा ब्रेकफास्ट क्या होने वाला है, वो होना चाहिए एक प्रॉपर मील. प्रॉपर मील का मतलब वे ये नहीं कह रहा कि रोटी सब्जी बनाएंगे, यार इतना तो नहीं आता है. आता है अगर आप तुमको ओके. बट एनीवेज, तो दूसरा जो मील होने वाला वो एक ऐसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए जो कुक करना पड़े, जिसमें सब्जियां भी काटनी पड़े, मतलब इन शॉर्ट काम करना पड़े, लेकिन वो भी फास्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए. इन शॉर्ट, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिस जाते हो, आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. क्योंकि यार अगर मैं खाना बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं, तो इस जैसा भी खाना बना सकता है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो इन 3, 2, 1, लेट्स गो बॉय. और साथ ही साथ पीछे प्रूफ के लिए हमारे साथ खड़ा है अपना कैमरा मैन अपने दोस्त, अपने मैनेजर डैम माकोर डैम. ओके, कैमरा घुमा के क्या दिख रहे हैं, बड़ी गंदी शक्ल है भाई. भाई जी क्या लगता है, बढ़ा एक मिनट में बेटा तुमसे ना हो पाएगा. 3, 2, 1, go. और सुपर फेवरेट ये रात के ऊपर पकाने जल्दी पकाने के लिए चमटा नहीं है. जली 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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ten. One time. All ideas ready हो चुके. Test और end में करेंगे. अब चलते हैं हमारी दूसरी dish की तरफ. All right, ladies and gentlemen. पहला stage बहुत अच्छे से clear हो चुका. Proof के लिए हमारे पीछे कैमरा में भाई. एक मिनट के अंदर था ना? नहीं. Well, whatever the case, अब बनाने वाले हैं. पोहा बहुत सिंपल है, लेकिन पोहा का फायदा कि अगर आप ऐसे बंदे जिसको ओट्स पसंद है तो पोहा एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट रहता है. सुबह के अंदर नाश्ते के अंदर बेस्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर यार सब्जियां डलती है, वेजेस डलती है, जिससे आपके पेट में फाइबर भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है. इन शॉर्ट अरे बहुत अच्छी चीज और बहुत आसानी से बन जाती है. तो इसको बनाते हैं. सबसे पहले कुछ नहीं करना यार, इसे भिगो देंगे. भिगोने के बाद प्याज वगैरह काट रहे हैं. सो यस, ठीक रहे भाई, सब कुछ ले ले तू. यही बातें तो बाद में याद आएंगी भाई. देखो क्या सामान आ गया है. नोटे बेचारे प्याज काट रहे हैं और लड़के हमारा खैर जाने दो. लेट्स कंटिन्यू टू विद यू. मजा तो आ रही भाई. ये प्याज तेरे आंसू निकलवाएगा ना. रुको जरा, सबर करो. असल में मैं प्याज नहीं काटने वाला. हम यूज करेंगे इस अंतरी अंदर को. बस प्याज इसमें ऐसे डालने का यंत्र होता है. ओ भाई ओ, चीटिंग करता है तू. चीटिंग करता है तू.
वैसे यार बहुत सी चीज अगर आपको भी लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेज़न के ऊपर मिलता है, 201 रुपए का मिलता है भाई, पैसा वसूल है। प्याज टमाटर कुछ काटो यार, प्याज तो कट चुका है, अब टमाटर को काटते हैं एंड मिलते हैं इनको काटने के बाद। और प्याज टमाटर सबसे पहले यार पोहा बनाने के टाइम सोखना था तो इसको गर्म करते हैं, मेज से डालते हैं एक चम्मच अच्छी सी भर के देसी घी, और इसके अंदर सबसे पहले प्याज लेंगे क्योंकि प्याज को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है टमाटर से, तो ये हमें याद रखना कि प्याज पहले डालना एंड टमाटर को बाद में। और पीनट वगैरह नहीं है यार इस वजह से वरना इसके अंदर मूँगफली के दाने वगैरह बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब इतने प्याज हल्के से गर्म हो रहे हैं, इतने हम फटाफट इतने टमाटर को कर लेंगे अगेन से हमारे यंत्र के अंदर, एक ही सेकंड के अंदर टमाटर प्याज सब कट हो जाते हैं। और सिर्फ यार हाँ मेरे को भी करना है एक बार ऐसे, मेरे को भी करना है, मज़ा आता है। प्याजों को यार भूनेंगे तब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं, एंड गोल्डन ब्राउन होने के बाद टमाटर डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे एंड इन द एंड डालेंगे पोहा। इस वजह से यार बहुत आसान है बनाना पोहा, अगर कोई देख रहा है बनाना चाहता तो इजीली बना सकता है। पर एक चीज़ याद रखना है यार, अगर आप नए बना तो प्याज डालते ना बहुत सारे छींटे निकलते हैं तेल के, और जो इन जैसे जिन्होंने कभी कुक नहीं करा उनको बता दो वरना फिर कहेंगे मम्मी मम्मी क्या चल रहा है, मम्मी क्या हो रहा है, ऐसा करेंगे वो। If this video gets 150 likes, we gonna make him cook something for us. तो 150 लाइक कायम रखते हैं, हो जाएंगे? मेरा नहीं, मुझे लगता है कि मेरे को कुक करने का मौका मिलने वाला है। देखते हैं, भाई पनीर की सब्जी बनाएंगे हम आज। ओके, हाँ, वो हो जाएगी यार हमारी 1000 पार्टी ब्रो। अब यार हमारे प्याज भून चुके हैं, अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर को। टमाटर मैंने थोड़े कम करे, वो थोड़े कम चॉप करें क्योंकि टमाटर क्या होता है पानी होता है, पानी चूकने के बाद टमाटर बिल्कुल छोटे सिकुड़ जाते हैं, तो टमाटर को ज़्यादा बड़े मत करना वरना टमाटर दिखेंगे नहीं, वो टमाटर की चटनी बन जाएगी। टमाटर भी भून चुका, अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले भाई कह रहे थे बहुत मिर्च खाते हैं, तो कितनी बहुत है? अरे कुछ भी नहीं है। श्योर? ये पार्ट जाएगा नमो। कौन सा पार्ट? अभी जो करा था। ना 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 करा देगा, सुने काली मिर्च बहुत ज्यादा कोरोना चल रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ एंड गोल्डन रैम्से दो मिनट के बाद अभी तक काले बर्च से भुने जब तक ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है, एंड फिर डालेंगे इसमें हल्दी एक अच्छे ब्राइट कलर के, एंड दो मिनट के बाद मिल जाते हैं। एंड एडजस्ट लाना मत भूलिएगा हमारी तरह। बहुत सारे लोग ना डालते नहीं बट मेरे को बहुत पसंद है, खाना बनने के बाद थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए जो स्वाद आएगा ना, मजा ही आएगा। आप किसी हद गई तो राज है सर। यस देखिए भाई खाने के अंदर जब ये देसी घी तैरता है ना अलग ही स्वाद आता है, एक शाइन आती है खाने। तो अब ये बढ़ चुका, अब सीधा मिलते हैं टेस्ट टेस्ट के ऊपर। Alright, this is camp number 2, जैसे इसको कॉल दिखता है तो वो वहाँ जाके बैठ गए एंड अब निकाल सकते हैं। वो गर्म कर दो ना क्या ब्रेड पीनट बटर में, तो ये रहा हमारा ओरिजिनल, इसको काट के 4 पीस में इसके साथ मिक्स कर देते हैं मिर्ची वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों ट्रीट, पहले पोहा बस तो मैं टेस्ट करने भाई साहब टेस्ट करे बताइए। खाने तो दे, हाँ हाँ दे दे मेरे काम कर, फोन की बात कर रहे हैं हमें। I believe I can fly. भैया ने यही दिया है, बुरा लगता है भैया।
ओके अब आते हैं टेस्ट टेस्ट की। तो गच तीखा भाई, मुझे तो तीखा ही पसंद है, बहुत बढ़िया बन रहा है। तो अब तीखे के बाद कुछ मीठा बनता है। ओके तो ये तेरे साथ में भी टेस्ट टेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे अपने पीनट बटर सैंडविच। राइट तो एक मैंने ले लिया, एक उठा ले। मेरे को इतना छोटा क्यों? अरे बात में राइट। ओह पानी पिला दे यार, फ्रिज में पानी नहीं रखते हम। दुकान पे पानी पिला दे। इसको बंद कर। अभी पिला दे और थैंक यू आंटी। पानी के चक्कर में पड़ा है, तूने इतने बिड़ा। ये खुद पागल हो रहा है, तूने भी करेगा। All right, ladies and gentlemen, well, that was a big success. तो दरअसल सीन क्या है, मैंने भाई को कई थी प्रैंक करेंगे, बट मैंने कहा था कि इसके ऊपर नहीं करेंगे और किसी के ऊपर करेंगे। तो ओके, इफ दिस वीडियो गेट्स 300 लाइक्स सो अनदर प्रैंक विल बी डन ऑन हिम। तो अगर 300 लाइक आ गए तो आपकी दोबारा से वेल तने एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा होगा। मिर्ची तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। एंड व्यूअर्स हुआ मेरे साथ, वीडियो वालों को पता चलेगा कि ये कैसे बहुत लंबी प्लानिंग करी थी। तो इतनी मिर्ची भी नहीं डालनी थी भाई, तीखा खाने का शौक है लेकिन जुबान तीखा खाने का शौक है पर जुबान जलाने का नहीं। अच्छा वीडियो में देखो मैंने कितनी मिर्ची डाली, वो जितनी मिर्ची इसमें डाली थी ना उतनी एक उस बाइट में थी। अब इसको इसका रिप्लाई मिलेगा कल सुबह इसके बाथरूम में। ऑल राइट अब वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो में मजा आता है तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस बॉय आग, दिस इज अ बॉय अक्षय। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। भैया सुपारी था। ओके अगर सुबह केसरी Alright, I'll see you guys in the next one. The boy I'm signing off from Basic Indian Boy. हाँ हो गया, मेरे को खाने दो। मैं तेरे को भी खाना नहीं आता भी, नहीं।